हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं पेपर पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि आपके सामने कुछ शेयर कर दूं। सावधानी से खेले, लत लग सकती है। क्यों भाई? चलिए, इस पर मैंने एक लेख पढ़ा तो आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये है कि जुए की लत लगाते हैं ऑनलाइन गेम्स। इसमें आपको हाईलाइटेड चीज़ मैं बता देता हूँ। जनरली आप अक्सर देखेंगे कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी या प्लेयर्स, मतलब जितने भी ऑनलाइन गेमिंग्स है तरह तरह के, जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, फैंटेसी लीग हो गया, और भी तरह का तरह तरह हजारों एप्लीकेशन है। जैसे कि हो गया आपको फैंटेसी स्पोर्ट, रमी, लूडो, शेयर ट्रेडिंग संबंधित गेम्स, क्रिप्टो आधारित गेम्स। कुछ समय में जब से विकास हुआ इसका, 4G का काफी ज्यादा, तो ये मनी गेम्स का बहुत ज्यादा विकास हुआ। एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग $5 अरब इसका 2025 तक इसका कारोबार हो जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, $5 अरब रुपये में आप इसका अंदाजा लगा ले। अभी 77-78 का चल रहा है डॉलर का ही रेट। जब से ये बढ़ा है जो ऑनलाइन गेमिंग, तब से आत्महत्या करने के मामले युवाओं में ज्यादा, खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर है, गरीब तबका है, या विद्यार्थी जो स्टूडेंट वगैरह है, और छोटे छोटे बच्चे 19 से 25 साल के उम्र के बीच में ये आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। और भी तरह तरह का चीज बढ़े है, कर्जा में फंसने का बहुत सारा केस आया है, और बहुत सारा परिवार बर्बाद भी हो गया इस चक्कर में ऑनलाइन गेमिंग। रिपोर्ट बताती है कि इस ऐप्स के माध्यम से जुए के लत के कारण आत्महत्या करने वाले अधिकतर युवा 19 से 25 वर्ष के हैं। अभी ताजा कदम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उठाया था कि 132 इस टाइप का जो एप्लीकेशन है मनी गेमिंग से रिलेटेड, उसको प्रतिबंधित करने के लिए निवेदन किया है। रोका नहीं है, लेकिन निवेदन किया है, क्योंकि इसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया। लड़के एकदम एडिक्टेड हो गए हैं हर जगह इसको बहुत ज्यादा। ऑनलाइन गेम्स कंपनियों का लाभ उन गरीब विद्यार्थियों, मजदूरों, किसानों और आम आदमी की कीमत पर है जो इन खेलों में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। खेल मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि काल्पनिक क्रिकेट जो होता है वो जुआ ही है, और इसके कारण जुए के व्यापार का रोक लग सकता है। लेकिन जो उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो मनी गेमिंग उद्योग से इंडस्ट्री जुड़े, उनका कहना यह है कि इसमें ₹35 एवरेज चार्ज है, और ज्यादा ज्यादा एक आदमी एक जिंदगी में अपने 10,000 ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन ये एकदम पूरी तरीके से फॉल्स हुआ जब लाखों रुपया युवा को बर्बाद हो रहा है इसमें, और उसे आत्महत्या करने के बारे में जानकारी मिलती है। जब लाखों रुपया गंवाने के बाद आत्महत्या करने की जानकारी मिलती है, तो इनका ये क्लेम एक तरह से गलत फॉल्स साबित हो जाता है। अगर इस खेल के बारे में बात किया जाए तो बहुत सारा तर्क दिया जाता है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि यह खेल में लोग समझ बूझ कर प्रवेश नहीं करते। वह एक संयोग होता है, एक कौशल से ज्यादा, यानी कि आपके हुनर से ज्यादा, टैलेंट से ज्यादा इसमें संयोग पर डिपेंड होता है। कुछ खिलाड़ी जीत सकते हैं, कुछ हार सकते हैं, लेकिन इन खेलों की एप्स कंपनियां जो है लगातार जीत रही और भारी लाभ कमा रही, काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही। कितना बहुत सारे एप्लीकेशन है जो टैलेंट से रिलेटेड जो गेम है उसके में विशुद्ध जुआ चला रहे हैं, और इस तरह के एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के साथ सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ करके इस तरह के एप्लीकेशन में ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर पैसा भी लूटा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आए हैं और बहुत सारे इस तरह से फ्रॉड हुआ है, आए दिन होते रहते हैं साइबर क्राइम के नाम से। कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस तरह के वेबसाइटों की भी जानकारी है कि किस तरह से, मतलब, ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर लूटा जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, लत लग सकती है, इसलिए इससे दूर रहने की जरूरत है। ऐसे में भारत सरकार और संबंधित मंत्रालय हाथ पर हाथ धर कर बैठे नहीं रह सकते। युवाओं को जुए में धकेलते हैं, उसको प्रतिबंधित करने की जरूरत है। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण हो, इनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। इस मामले में वित्त, उपभोक्ता मामले, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम एंड आईटी तथा गृह मंत्रालय को सम्मिलित रूप से निर्णय लेना होगा, और विद्यार्थियों, युवाओं, मजदूरों और आम जन की जुए की लत लगाने वाले इन ऐप से मुक्ति दिलानी होगी। सावधानी से खेलें, संभल कर खेलें, लत लग सकती। क्यों भाई, क्यों जरूरत है आपको ये बोलने की? यानी कुछ तो गड़बड़ है, रॉन्ग नंबर पर जा रहा सब कुछ। इसलिए जितने मनी उद्योग, जो मनी गेमिंग जो है उद्योग है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। उम्मीद है कि $5 अरब तक ये जाने की उम्मीद है 2025 तक, और विदेशी कंपनियां और तरह तरह के निवेशक खूब पैसा झोंक रहे हैं ताकि मार्केट में जुए की लत को फरोग मिले और ज्यादा और बिजनेस बढ़ता जाए। एकदम ये आभासी गेम पूरी तरीके से होता है, इसमें वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। इस उद्योग से जो जुड़े हुए लोग वो कहते हैं कि चलो, इससे ज्यादा एवरेज ₹35 इसका टिकट का चार्ज, ज्यादा 10,000 आदमी नुकसान हो सके। ऐसा नहीं, लाखों रुपया गंवाने के बाद जो आत्महत्या कर रहे हैं, आप उनसे जाके पूछें, और कितना घर इसमें बर्बाद भी हो चुका है, और तरह ज्यादातर इसमें गरीब लोग, विद्यार्थी या फिर प्रवासी मजदूर जो बाहर जाके काम धाम करते हैं, उसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है, और व्यापारी लोग भी बहुत सारे शामिल हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो गए, बहुत बहुत बड़े बड़े ये सेलिब्रिटी हो गए, प्लेयर्स हो गए, खिलाड़ी वगैरह।
लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ता, लगता है कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के गेमर्स जीतने की संभावना बहुत कम होती है, और कुछ मामलों में तो इस ऐप के कारण जुए की लत के चलते युवाओं द्वारा भारी कर्ज उठाने का मामला भी सामने आया है। इसलिए खुद को भी बचाएं, अपने बच्चों के बजाय आसपास के माहौल को भी बचाएं इस ऑनलाइन, जो ऑनलाइन गेम जुए के नाम पर चलाया जा रहा है। मैंने सोचा कि आप कुछ हमने शेयर कर दूं, और इस कॉलम को आप अच्छे से पढ़ लें पॉज करके, इसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, और भी इस तरह के बहुत सारे आपको लेख मिल जाएंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि कितना कोई भी चीज़ को देखा जाता तो बड़े इम्पैक्ट पर देखा जाता है, उसका डेटा निकाल के सारा चीज़ एनालिसिस करके देखा जाता है कि क्या है मामला। ऐसे एक दो आदमी का देखेंगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन ये बड़े प्रोस्पेक्टस पर ये एक तरह से छानबीन करके इस लेख को लिखा गया है, तो आप इसके बारे में अंदाजा, इसके मतलब सही इम्पैक्ट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होता जा रहा है दिन ब दिन। बने रहे हमारे चैनल, सब्सक्राइब करना।